जीनियस का ट्रेलर हुआ रिलीज। नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल के बेटे का रोल अदा कर चुके एक्टर उत्कर्ष शर्मा की डेब्यू फिल्म जीनियस का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में वो एक युवा देशभक्त के रूप में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि विलन के तौर पर बॉलीवुड में नेगेटिव किरदार के मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हैं। वो इस फिल्म में अलग अलग रूप में दिखाई देने वाले हैं। ट्रेलर में नवाज ना सिर्फ एक काउबॉय हैट और ब्लैक लॉन्ग जैकेट में दिखाई दिए बल्कि एक साधु के भेष में भी दिखाई दिए हैं। फिल्म में दमदार एक्शन के अलावा जबरदस्त डायलॉग भी हैं। ट्रेलर में एक और बड़े स्टार मिथुन चक्रवर्ती का भी अहम किरदार है। स्टूडेंट ही नहीं, उत्कर्ष शर्मा अलग अलग रोल और लुक में दिखाई देने वाले हैं। जीनियस का ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया। इस ट्रेलर को यूट्यूब पर 24 घंटे के भीतर 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इसे टिप्स ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया। बता दें, 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा सुपर हिट रही थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिकॉर्ड भी कायम किए थे। फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा थे और अब वो जीनियस फिल्म से अपने बेटे उत्कर्ष शर्मा को लॉन्च करने जा रहे हैं। इस एक्शन लव स्टोरी में आयशा जुल्का और मिथुन चक्रवर्ती भी हैं। बताया जा रहा है कि जीनियस एक युवक की कहानी है जिसके प्रयोग विज्ञान के प्रति हमारे नजरिए को बदल देते हैं। जीनियस से इशिता चौहान बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म को दीपक मुकुट ने प्रोड्यूस किया है और जीनियस 24 अगस्त को रिलीज होगी। जीनियस का टीजर और पोस्टर पहले ही रिलीज हो चुका है। इस फिल्म का पहला गाना तेरा फितूर भी रिलीज किया जा चुका है जिसमें उत्कर्ष एक्ट्रेस इशिता चौहान के प्यार में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्कर्ष रोमांटिक और एक्शन अवतार में दिखे हैं। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।